नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे डीजीपे न्यू वर्जन 6.0। तो जैसे कि अभी हम अगर जैसे डीजीपे हम अगर ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस ओटीपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये न्यू डीजीपे डाउनलोड है और अब वो किस तरह से करेंगे और कहां से करेंगे वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। और इस ऐप की सारी डाटा किस तरह से ये वर्किंग करता है, कितने ऑप्शन है इसमें, वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहना, मात्र 2 मिनट में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पे दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल कर लें, ठीक है दोस्तों। हम तो वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम पहले क्या था, जो हम अपनी जो आईडी थी वो इसमें आईडी डालते थे, और जैसे कि आईडी डालने के बाद और यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे टिक करते थे और प्रोसेस पे क्लिक कर देते थे। तो दोस्तों, हमारे सामने इस तरह का एक एरर आता था, एरर आ रहा है जो ओटीपी मोड नॉट सेलेक्टेड। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन आप इसमें आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कौन सा नया डीजीपे वर्जन आया है, तो दोस्तों वो है 6.0 वर्जन है, और वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको ये नया डीजीपे वर्जन डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये वाला डीजीपे इंस्टॉल है और इसको अनइंस्टॉल करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ डीजीपे, और यहाँ पर ओपन, दोस्तों यहाँ पर ये ओपन करने के लिए बोलेगा, मैंने ओपन कर लिया है और दिख रहा है अनइंस्टॉल और ओपन, दो ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना होगा और यह अनइंस्टॉल, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी देर में अपने आप ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ही इस वाली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और नया 6.0 डीजीपे को इंस्टॉल करने के लिए इस तरह से डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद आपके लिए नीचे कुछ ऑप्शन दे रहा है, दो कैंसिल और इंस्टॉल के लिए। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है ये अपने आप ऑटोमेटिक देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है इसका। तो ये इंस्टॉल ले रहा है, अभी थोड़ा सा वर्किंग है और अभी 1 मिनट में ही इसका वर्किंग ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ओपन के लिए बोल रहा है, यहाँ पर सही का टिक लग चुका है और यहाँ पर हम ओपन करेंगे न्यू डीजीपी को। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ इसका वो इंटरफेस है जो नया डीजीपे है 6.0, और यहाँ पर अलाउ के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ अलाउ कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है जो आपका जो डीजीपे आया है नया वाला। तो यहाँ पर जो आपका ओटीपी मोड था वो वहाँ पर एरर आ रहा था, यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल कोई भी एरर नहीं आएगा और आपका एरर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे तो जैसे कि मैं अपना CSC ID डालूँगा, और डालने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है OTP के लिए, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, और दूसरा जो आपकी CSC ID पे ईमेल ID लगी हुई है उस पे OTP जा जाएगा, और यहाँ पर दोनों पे फ़ोन और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP पहुँच जाएगा। अगर दोस्तों आपका किस तरीके से आप कौन से चीज़ पर अपना जो OTP है वो भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर तीनों के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये आपकी CSC ID है, तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी इस पर OTP भेज रहा हूँ मोबाइल नंबर के जरिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही मैंने अपने मोबाइल नंबर के द्वारा OTP भेज दिया है, और OTP भेजने के बाद मैं अभी इसमें फिल करता हूँ। अभी 2 मिनट में मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए, देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर OTP को डाल दिया है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर मैंने दोस्तों इस पर चेकबॉक्स किया, और चेकबॉक्स करने के बाद स्कैन एंड प्रोसेस पे क्लिक बोलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ओके करूँगा, और ओके करने के बाद जो आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस लगा हुआ है उस पर आपको फिंगर अटैच करना होगा। और जैसे मैंने यहाँ पर फिर ओके किया दोबारा से, क्योंकि मेरे पास इसमें 2 डिवाइस इंस्टॉल हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगा के अपने जो डीजीपे आईडी है यानी वो मैंने खोल दिया है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से देख, और यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी का दोस्तों, और यहाँ मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, यहाँ कार्ड का पिन, और यहाँ वॉलेट रिचार्ज दोस्तों, और यहाँ पे आउट, जो आपका जो बैलेंस है वो आप अपने खाते में पे आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों,
और इस ऐप का जो वर्जन है 6.0 वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल ही तरीके से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।